हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे आइसोमेट्रिक टेक्स्ट। ये है हमारा आज का टेक्स्ट। आपको हर एक चीज आनी चाहिए जावास्क्रिप्ट में। तो ये देखो, ये प्यारा सा हम इफेक्ट बनाएंगे टेक्स्ट का। बहुत ही छोटा सा कोड है इसका। यहाँ पे लगा दो एक div HTML में। इसको एक क्लास ऐड कर दो, वर्ड की कर दो। इसको एक आईडी दे दो, वर्ड्स लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डाटा वर्ड्स। इधर आपने वो टेक्स्ट लिखना है जिसको आप हेडिंग एज अ हेडिंग दिखाएंगे अपनी वेबसाइट पे। तो मैं जहाँ पे लिख देती हूँ, मैं अपने चैनल का नाम ही लिख देती हूँ। पता नहीं पूरा आएगा कि नहीं, फिर भी हम लिख देते हैं, जितना भी दिखेगा सही है। अब जहाँ पे एक और टेक्स्ट लिखना है आपने, इस डिब के बीच वही टेक्स्ट लिखना है जो आप वहां पे लिखेंगे। तो दोनों टेक्स्ट सेम ही होने चाहिए। जे वाला टेक्स्ट और जे वाला, दोनों ही सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे चलते हैं, इधर CSS में इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लो। बॉक्स साइजिंग, यहाँ पे स्टार आएगा, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स यहाँ पे लगा दो। मार्जिन वगैरह इसका 0 कर दो, पैडिंग 0। एक फॉन्ट फैमिली भी लगा देते हैं, वो लास्ट में लगाएंगे ताकि हमें पता चले कैसी दिखेगी, बिना फॉन्ट फैमिली कैसा दिखेगा टेक्स्ट। डिस्प्ले कर दो इसको फ्लेक्स में, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में, अलाइन आइटम इसके सेंटर में चाहिए टेक्स्ट में। हाइट लिख दो, ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपने अगर पूरी वेबसाइट बनानी हो तो आप बॉडी की हाइट नहीं रखेंगे, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक सा लगाएंगे। यहाँ पे जो हमने वर्ड्स की क्लास लगाई है उसकी बारी, इसकी पोजीशन रख दो, रैरिटी पोजीशन रहेगी। कलर इसका जो भी आपको सही लगे, जरूरी नहीं जो मैंने कलर लगाने हैं वही लगाएंगे आप। फॉन्ट वेट लगा दो तो ये बोल्ड हो जाएगा। फॉन्ट साइज भी लगा दो, फॉन्ट साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब साथ में रिफ्रेश करते हैं तो ये है छोटा सा यहाँ पे फॉन्ट साइज। लेटर स्पेसिंग भी ऐड करेंगे, 5 आ रही है, हम लेटर स्पेसिंग बहुत ही कम करेंगे, 5 नहीं आएगा, 0.0 पॉइंट में करेंगे, थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी बीच में। टेक्स्ट और अलाइन सेंटर में कर दो। अब यहाँ पे बनाएंगे जो वर्ड्स है, बिफोर प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें, हम अलग से एक बनाएंगे एट्रीब्यूट कंटेंट। हमने एट्रीब्यूट ऑलरेडी बनाया हुआ है, कौन सा, डाटा वर्ड्स का। तो डाटा वर्ड्स में हमारे पास वो चीज है जो जहाँ पे शो होनी है। इसकी पोजीशन रखो एब्सोल्यूट पोजीशन, टॉप से थोड़ा सा मूव कर दो। लेफ्ट से थोड़ा सा हम मूव कर देंगे। इसका कलर कौन सा रहेगा, RGB है, 0.0, 0.3। अभी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ये पहले मैं चेक कर लूँ। वर्ड से ही लगाया हुआ है, एक आईडी क्लास है वर्ड की, आईडी है वर्ड्स की, तो मैंने जहाँ पे लिख दिया वर्ड्स। सेम करो इसको, क्लास एंड आईडी दोनों सेम ही होनी चाहिए, तभी वो वर्क नहीं कर रही। अब सही है, ऊपर क्या रखा था हमने, वर्ड्स सही है। इसमें कलर लगा दिया, ये वो चीज है जो उसके पीछे नजर आएगा, बिल्कुल 3D लुक इसी के साथ आएगी। ये टेक्स्ट जो सामने वाला टेक्स्ट होगा उसके पीछे चला जाएगा। दो टेक्स्ट है ना हमारे पास। कलर भी लगा दिया हमने, और इसको टेक्स्ट शेडो ऐड करो, बहुत ही प्यारा इफेक्ट आएगा टेक्स्ट शेडो के साथ। अगर हम इसको नन कर दें, टेक्स्ट शेडो हम इसकी हटा देते हैं, ब्लर कर देते हैं, फिल्टर लगा दो, ब्लर सही लगेगा, ब्लर कर दो 8 पिक्सल, शेडो से ज्यादा ब्लर का इफेक्ट आएगा। अब देखो वो ब्लर हो गया, बहुत ही हल्का सा नजर आ रहा है। ब्लैक वाला जो टेक्स्ट है इसका जेड इंडेक्स ऐड कर दो,
तीन कर दो, दो माइनस में करेंगे तो ये पीछे जाना चाहिए, माइनस में करेंगे तो ये सामने रहेगा व्हाइट वाला, तो वो ब्लैक वाला पीछे रहेगा। अगर हम माइनस में नहीं करते, ब्लैक वाला फिर आगे आ जाएगा। वर्ड्स बन गए। अब जहाँ पे पहले चलते हैं जावा स्क्रिप्ट में, एक वेरिएबल बना लो, वर्ड्स का ही बना लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या थी, वर्ड्स, उसको गेट कर लो। एक वेरिएबल बना लो आइसोमेट्रिक इज, चलो आइसो लिख दो अकेला, इसको ब्लैंक छोड़ दो, आइसोमेट्रिक का नाम है जी। आइसोमेट्रिक व्यू देना है इसको, कैसे देना है, फॉर लूप के साथ, बहुत ही छोटा सा कोड है। लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, मुझे चाहिए 20 तक, मैं 20 वैल्यू लिख दूंगी। आई प्लस प्लस, इंक्रीमेंट होती रहेगी वैल्यू। अब यहाँ पे लिखो जो हमने वेरिएबल बनाया है आई एस ओ, इसको कर दीजिए प्लस इज इक्वल टू, जो भी इसमें पहले वैल्यू होगी उसको प्लस कर देगा। कैसे, आई एस ओ क्वेश्चन मार्क, टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे, कॉमा, यहाँ पे आएगा कॉलन। ये टर्नरी ऑपरेटर लगाने का तरीका है, लेकिन इसको हम ब्लैंक छोड़ेंगे, इस ब्लैंक के बीच वो दूसरा टेक्स्ट आ जाएगा। प्लस माइनस कर देंगे आई की वैल्यू, मल्टीप्लाई कर देंगे 1, इसको आप चेंज करेंगे वैल्यूज को कुछ और ही, फिर यहाँ पे आप बना सकते हैं पिक्सल, इतने पिक्सल, पिक्सल अपनी तरफ से जो उठा लेगा। प्लस आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, प्लस पिक्सल कलर लगा दो 0, ब्लैक चाहिए तो ब्लैक कलर लगा देंगे। साथ में जो वर्ड्स हैं डॉट स्टाइल उसका डॉट टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट शेडो हम इधर लगाएंगे आई एस ओ, तो ये हमने एक शेडो बनाई है। जैसे हम सी एस एस में शेडो बनाते हैं, जावा स्क्रिप्ट में बना सकते हैं, लेकिन ये शेडो सी एस एस में बहुत ही ज्यादा कोड लगा के फिर बनती है। अब जहाँ पे चलते हैं, ये तो हो गया वर्ड्स, सी एस एस में चलते हैं, थोड़ा सा हम इधर कोड लगाएंगे। ये जो वर्ड्स लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, जहाँ पे ही लगा दो, ट्रांसफॉर्म रोटेट 30 डिग्री रोटेट करूंगी। साथ में स्क्यू, स्क्यू होता है टेढ़ा करना, 25 डिग्री तक ये टेढ़ा हो जाए, सही लग रहा है। अब आपकी मर्जी इसको कितना रोटेट करना है। अब जे वाला जो बिफोर वाला बनाया है सारा काम इसी का होगा, तो जे वाला इसके पीछे नजर आना चाहिए, पीछे है तो है लेकिन वो परफेक्ट नजर नहीं आ रहा। एक बार इधर चलते हैं, हम पहले इसकी फॉन्ट फैमिली ऐड कर देते हैं, सब कुछ मिला के फिर ये पूरा परफेक्ट बनेगा। फॉन्ट फैमिली ये वाली लगा सकते हैं, परसीव में है ये, वाली सही लग रही है। जावा स्क्रिप्ट में आओ, इधर हमने जो मैंने वेरिएबल लगाया हुआ है इसको हमने आइसोमेट्रिक कर देते हैं, क्योंकि हमने जावा स्क्रिप्ट में आइसोमेट्रिक की ज्योमेट्री गेट करनी है, तो आप इसको शॉर्ट में ना लिखो, इसको कर दो आइसोमेट्रिक, क्योंकि हमने कैलकुलेशन लगाई है तो आइसोमेट्रिक की आएगी। और इसका कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपने लिखना ही आइसोमेट्रिक, फिर भी जहां पर आप इसको एज अ ऐसे ले सकते हैं, आपको समझने के लिए कि हमने आइसोमेट्रिक की वैल्यूज उठानी है। तो जहां पर ना हमारे पास ये वाला कोड वर्क नहीं कर रहा क्योंकि इसको स्पेस नहीं मिल रही, तो ये वाली चीज बहुत ही छोटी सी है लेकिन आपको पता होना चाहिए। पिक्सल लिखा हुआ है, इसके सामने स्पेस लिखो, ये जो स्पेस है इसमें, अब देखो पहले रिफ्रेश करो, सेव कर लेते हैं, सेव, जहां पे एक पिक्सल है और एक इधर स्पेस आनी है, एक
इस पिक्सल की जो स्पेस है इसका काम मैं बाद में बताती हूँ, पहले जहाँ पे ये वाला कलर सेट कर लो क्योंकि 000 आना है कोड, तो वो आ गया पीछे ब्लैक कलर। अब इसको हम हटा देते हैं, पिक्सल की जो स्पेस है रिफ्रेश करो तो देखो वो हट गया। तो ये बहुत ही मायने रखता है, ये उसको स्पेस देता है, इस स्पेस में ही दूसरा टेक्स्ट आना है, ये जो पीछे टेक्स्ट है ना उसी स्पेस में आएगा। इसको रिफ्रेश करो। अब मैं जहाँ पे कलर कोई और लगा देती हूँ, वैल्यूज आप चेंज करके देख लो, बेशक मैं जहाँ पे 2 लिख देती हूँ यहाँ पे 2 लिख दो, अब ऐसा आएगा। अब आपकी मर्जी है जैसा भी इसको आपने बनाना है। इधर मैं कलर और लगा देती हूँ, अगर हम यहाँ पे रेड लिख दें ये शायद ही ये उठाएगा, हमें जहाँ पे वैल्यू लिखनी पड़ेगी। चलिए उठा ही लिया, सही है। तो आप जहाँ पे कोई और कलर लगा दो, जैसा भी लगाना चाहते हैं, येलो लगा दो तो ऐसा ही कलर दिखेगा। तो ये वाली जो वैल्यू है उसकी, ये वाली वैल्यू, इसको आप 2 ना रखें तो वो ज्यादा सही नहीं लग रहा, 1 के साथ सही लग रहा है। तो कलर दोनों का ही आप अगर सही सही रखे, मतलब बिल्कुल मैच करता हुआ तो ज्यादा सही लगता है, तो ये वाला भी सही लग रहा है, ऐसा भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।